नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की टॉप 5 खबरें। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए असली चुनौती टेस्ट क्रिकेट होती है, लेकिन इस समय लागू लॉकडाउन की वजह से तमाम टूर स्थगित कर दिए गए हैं। ऐसे में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का भविष्य अधर में लटका पड़ा है। चैंपियनशिप का फाइनल 2021 में इंग्लैंड के लॉर्डर्स में खेला जाए, इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है। हालांकि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक सचिन तेंदुलकर के पास इसका समाधान है। सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से सीख ली जा सकती है कि उन्होंने कैसे खेलों को एक साल के लिए टाल दिया। सचिन तेंदुलकर को लगता है कि कुछ गणित बैठाना पड़ेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चैंपियनशिप का पहला संस्करण बिना किसी परेशानी के हो जाए। सचिन तेंदुलकर ने साफ तौर पर कहा है कि ओलंपिक को भी एक साल के लिए टाल दिया गया है, लेकिन इसे नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 ही दिया जाएगा, बेशक ये 2021 में खेला जाए। इसी तरह से हमें वो समय निकालना पड़ेगा जहां आप जानते हो कि सभी मैच खेले जा सकते हैं जो इस समय होने चाहिए थे। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर अब तक भारत के साथ वनडे सीरीज खेलने को लेकर व्याकुलता दिखा रहे थे, लेकिन अब दो कदम आगे बढ़ते हुए शोएब अख्तर ने टीम इंडिया का गेंदबाजी कोच बनने तक की बात कह दी है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा है कि उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच बनने में कोई परेशानी नहीं है। अगर उन्हें इसकी पेशकश की जाती है तो वह अपने ज्ञान को साझा करेंगे। शोएब अख्तर से पूछा गया कि क्या वह भविष्य में भारतीय गेंदबाजी इकाई के साथ जुड़ना चाहेंगे तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया है। शोएब अख्तर ने कहा है कि मैं निश्चित रूप से ऐसा करना चाहूंगा, मेरा काम ज्ञान साझा करना है। मैंने जो सीखा है उसके बारे में दूसरों को साझा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं। क्रिकेट में सबसे तेज गेंदबाजी करने वालों में शामिल अख्तर ने कहा, मैं मौजूदा गेंदबाजों की तुलना में अधिक आक्रामक, तेज और चुनौती देने वाला गेंदबाज तैयार करूंगा जो बल्लेबाजों को कड़ी चुनौती दे सके। कोरोना वायरस महामारी के बाद क्रिकेट खेलते समय गेंदों को स्विंग कराने के लिए लार के उपयोग या कृत्रिम पदार्थ के इस्तेमाल को लेकर चल रही बहस के बीच ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉन ने सुझाव दिया है कि गेंद को एक तरफ से भारी रखें ताकि चमक की जरूरत ही नहीं रहे। शेन वॉन का मानना है कि इससे तेज गेंदबाजों को सपाट विकेटों पर भी स्विंग लेने में मदद मिलेगी। उन्होंने स्काई स्पोर्ट्स के क्रिकेट पॉडकास्ट में कहा कि गेंद को एक तरफ से भारी क्यों नहीं बनाया जा सकता ताकि यह हमेशा स्विंग ले। यह एक टेप लगाई हुई टेनिस गेंद या लॉन बॉल की तरह रहेगी। ऐसी अटकलें हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका को देखते हुए गेंद पर लार के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जा सकती है। शेन वॉन ने कहा है कि इतने साल में बल्ले बड़े और हल्के हो गए हैं, लेकिन गेंद में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस सुझाव से गेंद और बल्ले में संतुलन स्थापित हो सकता है। इंग्लैंड के हरफनमौला क्रिकेट बेन स्टोक्स ने चैरिटी के लिए धन जुटाने के लिए हाफ मैराथन में दौड़ने की इच्छा जाहिर की है। वह पहली बार किसी हाफ मैराथन में दौड़ेंगे। बेन स्टोक्स ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा और नेशनल क्रिकेट चैरिटी चांस टू शाइन के लिए धन जुटाएंगे। बेन स्टोक्स ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर कहा, एक हाफ मैराथन हमेशा कुछ ऐसा रहा है जिसके बारे में मैं हमेशा सोचता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कभी ऐसा करने को नहीं मिला। हम लॉकडाउन में रह रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि बाहर जाने का एक शानदार मौका है और अगर मैं ऐसा करने जा रहा हूं तो मैं कुछ फंड जुटाने की भी कोशिश कर सकता हूं। इंग्लैंड के शानदार खिलाड़ियों में से एक बेन स्टोक्स ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि क्रिकेट गार्डन मैराथन को दान करने के लिए लोगों को कुछ प्रेरणा मिलेगी। मैं बस कुछ और फंड जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं जो वो करने में कामयाब रहे हैं। वो NHS का समर्थन कर रहे हैं और वो चांस टू शाइन को भी समर्थन कर रहे हैं जो कि जाहिर तौर पर क्रिकेट के काफी करीब है। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज मानस लाबुशेन ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण अगर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा नहीं करती है तो यह उनके और उनकी टीम के लिए काफी निराशाजनक होगा। भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा अक्टूबर T20 सीरीज के साथ शुरू होगा। इसका समापन 4 मैचों की टेस्ट सीरीज से होगा जो दिसंबर में शुरू होंगी। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हालांकि अभी इस दौरे को लेकर स्थिति साफ नहीं है। इस महामारी पर नियंत्रण पाने को लेकर अनिश्चितता बरकरार है जिससे निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत में फिलहाल यात्रा प्रतिबंध लागू है। मानस लाबुशेन ने कहा, इसका मतलब यह होगा कि हम क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे जो मेरे लिए और टीम के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी हानिकारक होगा। भारतीय दौरे के बीच में 18 अक्टूबर से शुरू होने वाला T20 विश्व कप भी है, लेकिन महामारी के कारण उसका भविष्य भी अधर में है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नीचे दिख रहे बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि तमाम अपडेट्स
आप तक फौरन पहुंच जाए। तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए एनएन स्पोर्ट्स।